हरदी बाजार थाना अंतर्गत भिलाई बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास से अपहरित नर्स खुद नाटकीय ढंग से लौटी वापस, रहस्य गहराया। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ले जाया गया। एसपी कार्यालय मानिकपुर चौकी में लिया गया बयान, जल्द पुलिस करेगी घटना का खुलासा। अपहरित नर्स 24 घंटे के भीतर मिल गई है। जिला अस्पताल में उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद पुलिसकर्मी उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर पहुंचे। नर्स को रलिया में अपहरणकर्ता द्वारा रखे जाने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस जल्द ही मामले का विस्तृत खुलासा करेगी। गौरतलब है कि हरदी बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम भटोरा में निवासरत बेवा ओम साहू 40 वर्ष भिलाई बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के पद पर पदस्थ है। शनिवार की रात करीब 8 बजे घर से अपनी स्कूटी में अस्पताल ड्यूटी जाने निकली। अभी वह अस्पताल के ठीक सामने पहुंची थी कि बिना नंबर की एक स्कॉर्पियो उसके पीछे पहुंची और उसमें उतरे दो बदमाश रास्ता रोककर नर्स को स्कूटी से नीचे उतारे और हाथ खींचकर स्कॉर्पियो में जबरदस्ती बैठाकर अपहरण कर ले गए। इस घटना को अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों व अन्य लोगों ने देखा। कुछ लोग चिल्लाते हुए स्कॉर्पियो का पीछा करने का प्रयास किए, पर देखते ही देखते अपहरणकर्ता लोगों की आंखों से ओझल हो गए। इस घटना की जानकारी नर्स के पुत्र राजा साहू व पुत्री प्रियंका साहू को दी गई। साथ ही पुलिस को भी इससे अवगत कराया गया। हरदी बाजार पुलिस चौकी प्रभारी अभय सिंह बैस भागकर मौके पर पहुंचे। यहां प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी एकत्र करने पर पता चला कि अपहरणकर्ता भिलाई से हरदी बाजार रलिया रोड की ओर भागे हैं। तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी गई और जिले में नाकेबंदी कर चौक चौराहों में वाहनों की जांच शुरू कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही आईजी रतनलाल डांगी भी देर रात एसपी के साथ हरदी बाजार रात भर डेरा डालकर अपहर्ता और अपहर्ताओं की सुराग लगाने आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। पल पल की अपडेट लेते रहे।